ये देखिए, जो वेक्टर की नॉर्म है ना, वो बाहर ही रहेगी, मतलब ये जैसे इस स्विच के ऊपर ऐसे जाके फिट होती है, ऐसे और जैसे ये इसमें प्रेशर डेवलप होता है तो ये बाहर की तरफ जाती है, और ये जाके स्विच को ऑफ करेगी, तो ये भी ऑन पोजीशन में रहेगी, तो इसे निकाल के साफ करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। इस नॉब को निकाल के अच्छे से साफ करके उससे ग्रीस लगा के इसको फिर से दोबारा से फिट करना है। ये सुंदर है, कभी ओके है। ये जो स्प्रिंग है इसका खराब है, ये कहीं पर खुली है मशीन और उन्होंने इसे खींचे और साइज कर दिया। ये बेकार है, कहीं यूज होगी नहीं इसमें। ये रही, रुक जाए, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहले इसे साफ करना है, अच्छे से कपड़े से अंदर क्या हो गया है। इसके बाद ये पार्ट है, इसको क्लीन करना है। ये लगेगा कैसे, स्प्रिंग होगी, ये सपोर्टिंग होगा ऊपर, और ये बड़ा होगा और ये इधर। ठीक है, उसके बाद इसे ग्रीस लगा के कपड़े करना है। देखिए, देखा होगा मेरे पास है दूसरा पार्ट, तो ठीक है। मुझे एक दूसरा स्प्रिंग मिला है, मुझे इसके ग्रीस लगाना है, स्प्रिंग फिट करना है, ये वाइट वाला वॉशर, और फिर ये ऑरेंज। इधर भी मैं थोड़ा सा ग्रीस यहाँ पे लगा देता हूँ, और हल्का सा ग्रीस अंदर हाउसिंग में भी। फिट करने से पहले आपको इसको कुछ करके देखना है, तो ये मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये मशीन को पिक करने से पहले ये सिस्टम बाहर निकाल देना है।